महाराष्ट्र में गर्मी अपने चरम पर है। फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीम ने भारी संख्या में जमा खराब कुल्फी को बरामद किया है। एफडीए टीम ने यहां भारी मात्रा में नकली मावा और केमिकल से बनी आइसक्रीम्स भी बरामद की हैं। चिलचिलाती गर्मी में आप आइसक्रीम ढूंढते हैं। पारा हाई हो जाने पर लोग कुल्फी खाकर ठंडक महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुल्फी और आइसक्रीम आपको बीमार भी कर सकती है। मुंबई से आई ये तस्वीरें तो एक बड़े खतरे से आगाह भी करती हैं और सावधान भी। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीम ने जब मुंबई के कुछ इलाकों में छापेमारी की तो वहाँ बड़ा गड़बड़ झाला नजर आया। बेहद अनहाइजीनिक तरीके से कुछ लोग आइसक्रीम और कुल्फी बना रहे थे। अधिकारियों ने चारकोप और दहिसर इलाके में दो कुल्फी फैक्ट्रीज पर रेड की। रेड के दौरान एफडीए ने भारी मात्रा में कुल्फी बनाने में उपयोग की जा रही एक्सपायर्ड चीजें जब्त की। जांच में ये भी पता चला कि ये फैक्ट्रीज अवैध तरीके से चलती थी। इनके पास एफडीए का लाइसेंस भी नहीं था। ग्रेटर बॉम्बे के ऑफिस में हमें इंफॉर्मेशन मिला कि कांदीवली, चारकोप और दहीसर इस एरियाज में कुछ आइसक्रीम और कुछ मलाई कुल्फी की फैक्ट्रीज हैं जो बहुत ही गंदे तरीके से कुल्फियाँ और आइसक्रीम बना रहे थे। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद वहाँ उन्होंने और बाकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और फिर रेड करी है। एक दो दिनों में ये रेड हुई है और उसमें हमें ये दिखा कि ये फैक्ट्रीज जो हैं इनके पास लाइसेंसेस भी नहीं थे और जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर रहे थे और बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में ये काम कर रहे थे। रेड के दौरान एफडीए के अधिकारियों ने पाया कि कुल्फी की दोनों फैक्ट्रियों में कुल्फियाँ और आइसक्रीम बेहद गंदे तरीके से रखी गई थी। घटिया सामान का इस्तेमाल हो रहा था। फिलहाल एफडीए ने इन जगहों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। जानकार बताते हैं कि ऐसे मामलों में आरोपी महज फाइन भरकर छूट जाते हैं और इसी एक कमजोर कड़ी की वजह से आरोपियों के हौसले बुलंद रहते हैं। जरूरत है इन पर क्रिमिनल कार्रवाई किए जाने की। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।